लिमिटेड ने बिजली टैरिफ में 27% वृद्धि का प्रस्ताव सरकार को दिया। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जहां विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा तो वहीं सत्ताधारी पार्टी ने केंद्र सरकार की आर में पलटवार किया है। लगने वाला है महंगाई का करंट, आ रही है 27% की आफत। झारखंड में बिजली पर सियासत। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली टैरिफ में 27% बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को दिया है। निगम ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नए टैरिफ का पिटीशन दाखिल किया है और इस पर सियासत अब शुरू हो गई है। विपक्ष में बैठे बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार की बिजली वितरण कंपनी के द्वारा कोरोना काल में बिजली के दरों में 27% बढ़ोतरी का प्रस्ताव जन विरोधी निर्णय है और झारखंड बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस प्रस्ताव को वापस लेना होगा। देखिए, इस पलटू सरकार का आप एक और कारनामा देख सकते हैं। कोरोना के समय इन्होंने घोषणा की थी कि जो भी उपभोक्ता है बिजली के, उन पे कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। इसके उलट अब सरकार की वितरण कंपनी ने, बिजली वितरण कंपनी ने 27% तक जो बिजली की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। ये पूरे तरीके से ये सरकार का जन विरोधी निर्णय है। बीजेपी ने बिजली के नए टैरिफ के प्रस्ताव का विरोध किया है तो वहीं सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी को केंद्र सरकार के द्वारा गैस, पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पेट्रोल और डीजल की कीमत एक बराबर हो गई है। तो वहीं जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती हाथी उड़ाने वाली सरकार के कार्यकाल में बिजली दर में बढ़ोतरी होती थी, उस समय उनकी नैतिकता कहां मर जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी 27% बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है और सरकार ने इस प्रस्ताव को सहमति नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बराबर हो गई। डीबीसी पैसा काट लिया 1417 करोड़ रुपया, फिर धमकी दिया है कि पैसा काटेंगे। केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पर झारखंड के साथ इस तरह के अनाचार व्यवहार किए जा रहे हैं और आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना है तो केंद्र की सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। जिस समय इनकी सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार, हाथी उड़ाने वाली सरकार, उस वक्त जो बिजली में बढ़ोतरी होती थी उस समय इनका नैतिकता कहां मर जाता था, या इनकी जो जनता के लिए जो बातें आज ये कर रहे हैं, दिखावा वाली बातें, उस समय उनके दिमाग में ये सब बातें नहीं आती थी क्या? अभी ये प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को सरकार ने सहमति नहीं दी है, विद्युत नियामक आयोग इस पर फैसला करेगा। हालांकि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने टैरिफ में बढ़ोतरी को लेकर 27% का प्रस्ताव सरकार को दिया है और इस पर सियासत तेज हो गई है। देखना होगा सरकार और झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग इस पर क्या फैसला लेती है। मनी